чувствовала. तुम किस मकसद से आए हो ये जानने के बाद पता सकता हूं मैं कौन हूं। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गुंटूर क्रम, कैप्टन मिलर, हनुमान और मैरी क्रिसमस के 6 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं तेजा सज्जा के हनुमान के 6 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जिस तरह से इसका हाइप बढ़ रहा है उस तरह से इसका कलेक्शन भी काफ़ी शानदार आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं इसके कलेक्शन के बारे में। तो अगर बात करते हैं इसके फर्स्ट डे के इंडिया से कलेक्शन देखा जाए तो 12 करोड़ 20 लाख की कमाई की थी। वहीं दूसरे दिन यानी कि सैटरडे का कलेक्शन रहा था 12 करोड़ 45 लाख। वहीं बात करते हैं तीसरे दिन यानी कि संडे के कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिला और 16 करोड़ की कमाई की। अगर बात करते हैं मंडे यानी कि मकर संक्रांति के दिन भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन हुआ और अपने चौथे दिन 15 करोड़ 20 लाख की कमाई की। अगर बात करते हैं ट्यूजडे यानी कि 5वें दिन का कलेक्शन, तो वर्किंग डे होने के बावजूद भी यह फिल्म काफ़ी अच्छा कमाई कर रही है और 13 करोड़ 11 लाख की कमाई की। वहीं बात करते हैं वेडनेसडे यानी कि 6ठे दिन का कलेक्शन, तो काफ़ी शानदार आ रहा है और 11.5 करोड़ की कमाई कर रही है। टोटल यहाँ पे 6 दिनों में इंडिया से कलेक्शन हो जाता है 80 करोड़ 46 लाख रुपये। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 130 करोड़ की कमाई कर चुकी है। तो चलिए अब जानते हैं धनुष के कैप्टन मिलर के 6 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो अगर बात करते हैं इसके ओपनिंग डे का इंडिया से कलेक्शन की तो 8.70 करोड़ की कमाई की थी। वहीं दूसरे दिन यानी कि सैटरडे का कलेक्शन 7.45 करोड़ रहा था। वहीं तीसरे दिन का कलेक्शन देखा जाए तो 7.80 करोड़ की कमाई की थी। वहीं चौथे दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन 6.62 करोड़ की कमाई की थी। वहीं बात करते हैं इसके ट्यूजडे यानी कि 5वें दिन का कलेक्शन, तो 4.46 करोड़ रहा था। और यहां से बात करते हैं 6ठे दिन का कलेक्शन, तो आज अपने 6ठे दिन भी 3 करोड़ के आसपास की कमाई कर रही है। वहीं बात करते हैं इसके टोटल 6 दिनों में इंडिया से कलेक्शन तो 38.43 करोड़ हो जाता है। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 60 करोड़ की कमाई कर चुकी है। तो चलिए अब जानते हैं महेश बाबू स्टार गुंटूर क्रम के 6 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो अगर बात करते हैं इसके ओपनिंग डे की कलेक्शन की तो काफ़ी शानदार रहा था और 41.30 करोड़ की कमाई की थी। वहीं अगर सैटरडे दूसरे दिन का कलेक्शन देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला और 13.55 करोड़ की कमाई की। और बात करते हैं इसके संडे यानी कि तीसरे दिन का कलेक्शन, तो 14.05 करोड़ की कमाई की। वहीं अगर मकर संक्रांति यानी कि मंडे यानी कि चौथे दिन का कलेक्शन देखा जाए तो 14.10 करोड़ की कमाई की। अगर बात करते हैं इसके 5वें दिन का कलेक्शन, तो 10.95 करोड़ की कमाई की। वहीं अगर आज का कलेक्शन देखा जाए 6ठे दिन का, तो 7 करोड़ के आसपास की कमाई कर रही है। यहाँ टोटल देखा जाए 6 दिनों में इंडिया से कलेक्शन तो 101 करोड़ हो चुका है। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 148 करोड़ की कमाई कर चुकी है। तो अब बात करते हैं मैरी क्रिसमस के 6 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जिसके लीड रोल में आपको दिख रहे हैं विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ। बात करते हैं इसके कलेक्शन के बारे में, तो ओपनिंग डे का अगर इंडिया से कलेक्शन देखा जाए तो 2.45 करोड़ के साथ शुरुआत की थी। वहीं दूसरे दिन का कलेक्शन आया था 3.45 करोड़। अगर बात करते हैं तीसरे दिन यानी कि संडे का कलेक्शन में थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला और 3.83 करोड़ की कमाई की। बात करते हैं चौथे दिन का कलेक्शन मंडे की, तो 1.65 करोड़ की कमाई की। और 5वें दिन का कलेक्शन 1.30 करोड़ रहा। वहीं अगर आज का कलेक्शन देखा जाए 6ठे दिन का, तो 1.15 करोड़ के आसपास की कमाई कर रही है। यहाँ पर टोटल 6 दिनों में इंडिया से कलेक्शन हो जाता है 13.83 करोड़ रुपये। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 20 करोड़ के आसपास की कमाई कर चुकी। तो देखना होगा कि इन चारों फिल्मों में से आने वाले दिनों में कौन सबसे अच्छा कलेक्शन करने वाली है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो वीडियो यही तक थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।